Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn class 4th EVS chapter number 23 home and abroad. Students, home मतलब क्या ये तो आपको पता ही है, but abroad क्या होता है? Abroad means foreign country, दूसरे देश, विदेश, जो हमारे देश के बाहर की जगह होती है उसे abroad कहते हैं. इंडिया के अलावा जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्हें हम abroad कहेंगे. Since morning, everybody has been running around at Jill's house. Arvind uncle and his family were coming home after 5 years. आज सुबह से झील के घर में हलचल मची हुई है. सब लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं क्योंकि उसके जो अंकल है जिनका नाम है अरविंद, वो 5 साल बाद अपनी फैमिली के साथ घर वापस आ रहे हैं. 5 years ago, अरविंद अंकल got a job in Abu Dhabi. Since then, he had lived there. अरविंद अंकल को 5 साल पहले अबू धाबी में जॉब मिली थी, तब से वो अपनी फैमिली के साथ वहीं रहते थे. स्टूडेंट्स, अबू धाबी क्या है? अबू धाबी यूएई का कैपिटल है. यूएई मींस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और ये कहाँ है? स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज़ आवर इंडिया. ये इंडिया है और इंडिया के वेस्ट में यहाँ पर है यूएई और इसमें है अबू धाबी. ये यहाँ का कैपिटल है, जैसे हमारे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली. झील एंड हर फादर वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम. झील और उसके फादर अरविंद अंकल और उनकी फैमिली को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गए. आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर्स हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज. एट लास्ट अरविंद अंकल, नीता आंटी एंड देयर चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट. झील और उसके फादर को अरविंद अंकल और नीता आंटी, जो अरविंद अंकल की वाइफ है, और उनके बच्चे आते हुए दिखे. हाउ बिग हैंसी एंड पल हैव ग्रोन, फादर सेड. झील के फादर बोले कि हैंसी और पल कितने बड़े हो गए हैं. हैंसी एंड पल आर कजिन्स ऑफ झील. सुन, मैनी सूटकेसेस एंड बैग्स वर लोडेड इन टू द टैक्सी एंड एवरी वन वॉज ऑन द वे टू झील्स हाउस. उसके बाद उन्होंने एक टैक्सी हायर की और सारा सामान उसमें रखा और अब वो सब झील के घर जा रहे हैं. हैंसी, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. फादर टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज़ फार फ्रॉम इंडिया, झील सेड. झील ने हैंसी से कहा कि तुम तो थक गए होगी, क्योंकि झील के फादर ने झील से कहा था कि अबू धाबी इंडिया से बहुत दूर है. वी आर नॉट टायर्ड इवन दो इट इज़ फार. Our flight took only 2 hours. The plane flies very fast, said Hansi. Hansi बोली कि वो बिल्कुल भी थकी नहीं है क्योंकि उनकी फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे में यहाँ पहुँच गई. ये सुनकर झील सरप्राइज्ड हुई. उसे लगा कि इतनी दूर से ये लोग सिर्फ 2 घंटे में इंडिया कैसे पहुँच गए. She remembered that when she had gone on school trip to Delhi, they had spent almost 20 hours in the train. झील को याद आया कि जब वो स्कूल ट्रिप पर दिल्ली गई थी तब उसे ट्रेन से वहाँ पहुँचने में 20 घंटे लगे थे. एंड ऑन द मैप जूनागढ़ एंड दिल्ली सीम्ड क्वाइट नियर. इंडिया के मैप पर जूनागढ़ और दिल्ली तो पास ही दिख रहे थे, फिर भी उसे वहाँ पहुँचने में 20 घंटे लगे थे. जबकि अबू धाबी काफ़ी दूर है, फिर भी 2 घंटे में अरविंद अंकल और फैमिली यहाँ पर पहुँच गए. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट. एरोप्लेन जो होता है वो बहुत ही फास्ट उड़ता है. झील, हैंसी एंड पर्ल चैटेड ऑल द वे टू होम फ्रॉम द एयरपोर्ट. झील रिमेंबर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप. शी वॉन्टेड हैंसी टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी. झील, हैंसी और पर्ल तीनों रास्ते में बातें ही कर रहे थे. झील ने अपने स्कूल ट्रिप में कितने मज़े किए थे वो उसे याद आ रहा था और वो चाहती थी कि हैंसी भी उसे अबू धाबी से इंडिया की ट्रिप के बारे में बताए. सैंड ऑल अराउंड. यू हैव सीन मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन इजंट इट, आस्क्ड झील. झील ने हैंसी और पल से पूछा कि तुम्हें प्लेन से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दी होगी, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई. Even higher than the clouds, said Hansi. Hansi बोली कि हमें ज़्यादातर क्लाउड्स ही दिखाई दे रहे थे क्योंकि प्लेन बहुत ही ऊपर उड़ रहा था. But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. It was sand, but the color of sand kept changing. White, brown, yellow, red, black.
हेंसी बोली कि हम जब क्लाउड्स के ऊपर जाते थे तो उससे पहले उन्हें सैंड मींस रेत नज़र आ रही थी। सैंड का जो कलर था वो चेंज होते रहता था, किसी प्लेस पर वाइट, किसी प्लेस पर ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड, दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, एडेड पर्ल। फिर उन्होंने इस तरह के सैंड के माउंटेन्स भी देखे जिसे सैंड ड्यून्स कहते हैं। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी शोर, सेड झील। झील ने कहा कि मैंने तो सैंड सिर्फ समुंदर के किनारे पर ही देखी है। देन यू शुड कम टू विजिट अस, सेड अरविंद भाई। द कंट्रीज अराउंड आबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डेजर्ट एरिया। आबू धाबी के आसपास जो कंट्रीज़ है वो डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान है। Even if one drives a little away from the city, one can see miles and miles of sand, no trees, no greenery, just sand. अबू धाबी ये जो सिटी है इससे अगर आप थोड़ा भी दूर जाते हैं तो आपको आसपास सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देती है। वहाँ आपको ट्रीज, ग्रीनरी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, सिर्फ सैंड ही सैंड नज़र आएगी। आई यूज़ टू ड्रीम ऑफ द थीक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड अवर होम इन गुजरात, सेड नीता आंटी। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। नीता आंटी बोली कि यहाँ गुजरात में उनका जो घर है वहाँ ग्रीनरी है, ठंडा ठंडा पानी है, इन सब चीज़ों को वो वहाँ याद करती है और आज फिर से इन सब चीज़ों को देख कर वो खुश है। द चिल्ड्रन हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हाउ दे फील व्हेन इट रेन्स। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन द डेजर्ट एरियाज। हेंसी और पल तो ये भूल ही गए थे कि बारिश होती है तब कैसा लगता है, क्योंकि डेजर्ट एरियाज में बारिश ना के बराबर होती है। वाटर इज़ रियली वेरी प्रिशियस ओवर देयर। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पॉन्ड्स। इवन बिलो द ग्राउंड देयर इज़ नो वाटर, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। पल बोली कि वहाँ पर पानी बहुत ही प्रेशियस मीन्स बहुत ही कीमती है। वहाँ पर बारिश नहीं है, कोई रिवर पॉन्ड कुछ भी नहीं है, इवन अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारा ऑयल और पेट्रोल है और वो इजीली अवेलेबल है। इन फैक्ट पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर, सेड अरविंद अंकल। अरविंद अंकल बोले कि वहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। बाय दिस टाइम ऑल रीच्ड जील्स हाउस, हेंसी एंड पर्ल वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्रीज। अब वो झील के घर पर पहुंच गए। हेंसी और पल वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज देखकर सरप्राइज हो गए। उन्होंने कोकोनट ट्रीज, बनाना ट्रीज, जैक फ्रूट, पपाया और बीटल नट के ट्रीज देखे। बीटल नट मीन्स सुपारी, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं और इसे खाने के पान में भी यूज़ किया जाता है। वी यूज टू सी ओनली वन काइंड ऑफ ट्री देयर, द डेट पाम्स, बिकॉज इट इज़ द ओनली वन दैट कैन बी ग्रोन इन द डेजर्ट। पल ने कहा कि आबू धाबी में उन्हें एक ही पेड़ देखने को मिलता था, वो है डेट पाम यानी कि खजूर का पेड़। आबू धाबी में डेजर्ट है इसलिए वहाँ पर सिर्फ खजूर का पेड़ ही उगता है। नाइस गिफ्ट्स एंड फोटोग्राफ्स। आफ्टर दे हैड मेट एवरीवन, नीता आंटी अनपैक्ड देयर बैग्स। दे हैड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। सबको मिलने के बाद नीता आंटी ने उनकी बैग्स ओपन की। उन्होंने सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए थे। दे गेव डेट्स फॉर एवरी वन टू ईट। उन्होंने सबको खाने के लिए डेट्स मीन्स खजूर दिए। द डेट्स वर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। पल शोड झील सम करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। उसके बाद पल ने झील को अबू धाबी के कुछ नोट्स और कॉइन्स दिखाए। हेंसी एक्सप्लेन्ड दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड धीरहम। हेंसी बोली कि अबू धाबी में जो करेंसी यूज होती है, जो पैसे यूज होते हैं, उन्हें धीरहम बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया में जो करेंसी यूज़ होती है उसे हम रुपीस कहते हैं, बट द करेंसी विच इज़ यूज्ड इन अबू धाबी इज कॉल्ड धीरहम। इट हैड सम राइटिंग इन देयर लोकल अरेबिक लैंग्वेज। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे लिव्ड। स्टूडेंट्स, इन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं और इसीलिए हमारे जो करेंसी नोट्स होती है उन पर कई लैंग्वेजेस हमें दिखाई देती है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी एट्सेट्रा। आबू धाबी में अरेबिक लैंग्वेज यूज़ होती है इसलिए वहाँ की करेंसी पर अरेबिक में कुछ लिखा हुआ होता है। अरविंद अंकल गेव झील अ ग्लोब, ही सेड, झील, व्हाई डोंट यू फाइंड आबू धाबी ऑन दिस ग्लोब।
अरविंद अंकल ने झील को एक ग्लोब दिया। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ आवर अर्थ विच शोज ऑल द कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज एंड ओशियंस। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। बच्चों को ग्लोब के साथ खेलने में और उस पर अलग अलग प्लेसेस फाइंड आउट करने में मज़ा आया। झील फाउंड दिल्ली एंड जूनागढ़ ऑल्सो। झील ने दिल्ली और जूनागढ़ भी ग्लोब पर ढूंढ लिया। इन द इवनिंग एवरी वन सेट इन द वरंडा एंजॉइंग द ब्रीज एंड लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। शाम को सभी लोग वरंडा में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और फोटोग्राफ्स देख रहे थे। दे सॉ दैट इन अबू धाबी द बिल्डिंग्स वर टॉल विथ मैनी स्टोरेज एंड बिग ग्लास विंडोज। उन्होंने उसमें अबू धाबी की बिल्डिंग्स के फोटोज़ देखे। अबू धाबी की बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लोर्स थे और जो विंडोज़ थी वो बड़ी थी और ग्लास की थी, यानी कि बड़े बड़े कांच की विंडोज़ थी। झील सेड यू मस्ट बी गेटिंग नाइस कूल ब्रीज थ्रू दिस बिग विंडोज़। झील बोली आपके घर पर इन खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा आती होगी। अरविंद अंकल सेड वी कैन नॉट ओपन द विंडोज़ बिकॉज ऑफ हीट, इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड ऑल हाउसेस। अरविंद अंकल बोले ऐसा नहीं है, हम तो विंडोज़ को खोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है। सभी घरों के अंदर एयर कंडीशन मींस एसी होते हैं। एज द वेदर इज़ वेरी हॉट पीपल वेयर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्व्स फुल्ली कवर्ड। वहाँ पर वेदर यानी कि मौसम बहुत ही गर्म होता है, लोग वहाँ पर गर्मी की वजह से कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और अपनी बॉडी को पूरा कवर करते हैं। इवन द हेड इज़ ऑल्सो कवर्ड, दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीट ऑफ सन। वो अपने सिर को भी इस तरह से कवर करते हैं। जील एंजॉयड लुकिंग एट द पिक्चर्स एंड फाइंडिंग आउट अबाउट द अदर कंट्रीज फ्रॉम हर कजिन्स। झील को अपनी कजिन्स से दूसरे कंट्रीज के बारे में जानने में मज़ा आया। शी कॉन्स्टेंटली केप्ट कंपेयरिंग हर सिटी विद द थिंग्स दैट दे हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट अबू धाबी। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास। झील अपनी सिटी मीन्स जूनागढ़ और अबू धाबी इन दोनों को कंपेयर करती रही और उसने डिसाइड किया कि वो अबू धाबी के बारे में एक क्लास रिपोर्ट रेडी करेगी। डिस्कस एंड राइट। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग अबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। यू कैन यूज सम ऑफ दिस पॉइंट्स मेंशन बिलो व्हाइल राइटिंग द रिपोर्ट। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पेस्ट फोटोग्राफ्स। स्टूडेंट्स, आप जहाँ पर रहते हो उस प्लेस को और अबू धाबी को कंपेयर करते हुए एक रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और कुछ फोटोग्राफ्स पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं? द क्लाइमेट एंड वेदर मीन्स आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का मौसम और अबू धाबी का मौसम, इसके बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं। देन द ट्रीज एंड प्लांट्स, द ट्रैफिक ऑन द रोड, काइंड्स ऑफ व्हीकल्स, द कॉमन फूड आइटम्स मीन्स आप जहाँ रहते हो वहाँ के लोगों का कॉमन फूड क्या है और अबू धाबी के लोगों का कॉमन फूड क्या है। देन क्लोथिंग ऑफ पीपल, लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके बारे में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, अबू धाबी की बिल्डिंग्स कैसी है और आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर बिल्डिंग्स या हाउसेस कैसे है उसके बारे में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। देन द लैंग्वेज, लैंग्वेज के बीच में भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू कंपेरिजन बिटवीन अबू धाबी एंड गुजरात। अब हम गुजरात और अबू धाबी के बीच में कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ देर आर लॉट्स ऑफ ट्रीज, ग्रीनरी एंड कूल वाटर इन गुजरात। गुजरात में बहुत सी ग्रीनरी है, बहुत सारे ट्रीज है और ठंडा ठंडा पानी भी होता है। वाइल अबू धाबी इज़ सराउंडेड बाय डेजर्ट, अबू धाबी के आसपास सिर्फ डेजर्ट है। सेकेंड पॉइंट इज़ गुजरात रिसीव्स रेनफॉल एवरी ईयर, गुजरात में हर साल बारिश होती है। बट इन अबू धाबी देर इज़ नो रेन, नो रिवर, लेक और पॉन्ड्स। अबू धाबी में बारिश नहीं होती है, वहाँ पर कोई रिवर, लेक या पॉन्ड भी नहीं है। थर्ड पॉइंट इज़ ऑयल इज़ कॉस्टली, गुजरात में जो पेट्रोल, डीजल ये सारी चीज़ें होती है ये बहुत ही कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। बट इन अबू धाबी ऑयल इज़ चीपर देन वाटर, अबू धाबी में ऑयल पानी से भी सस्ता होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर अवेलेबल,
गुजरात में हमें सभी तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, बट इन आबू धाबी ओनली डेट्स आर अवेलेबल। आबू धाबी में सिर्फ डेट्स यानी कि खजूर ही मिलते हैं। गुजरात में जो करेंसी है वो रुपीज़ होते हैं। आबू धाबी की करेंसी दिरहम है। गुजरात में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है गुजराती, और आबू धाबी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है अरेबिक। व्हाई डू यू थिंक लेस ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट्स? डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान में ट्रीज़ कम क्यों होते हैं? बिकॉज इन डेजर्ट देर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट में पानी की कमी होती है, इसीलिए वहाँ पर ट्रीज़ कम होते हैं। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स हु लिव इन अनदर कंट्री? इफ़ येस, वेयर? क्या आपके भी कोई रिलेटिव्स दूसरी कंट्री में रहते हैं? येस, वन ऑफ माई अंकल लिव्स इन US। मेरे अंकल US में रहते हैं। हाउ लॉन्ग डिड दे लिव देयर? वो वहाँ पर कब से रह रहे हैं? डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क? क्या वो वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए थे या फिर काम करने के लिए? वॉज देयर एनी अदर रीज़न? या फिर कोई और वजह थी वहाँ जाने के लिए? ही हैज़ बिन लिविंग देयर फॉर 10 years। वो वहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं। ही वेंट देयर फॉर वर्क? वो वहाँ पर काम करने के लिए गए थे। लुक एट दिस करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ ईच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे इंडियन करेंसी नोट दिए हुए हैं, आपको वो जो नोट है उसकी जो भी वैल्यू है वो साइड में इस बॉक्स के अंदर लिखनी है। तो फर्स्ट जो नोट है वो 5 rupees नोट है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 rupee नोट। देन नेक्स्ट इज़ 10 rupee नोट। थर्ड वन जो है वो है 100 rupee नोट। एंड लास्ट वन इज़ 500 rupee नोट। टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग? हाउ डिड यू नो? ये जो करेंसी नोट है ये कौन सी कंट्री की है? दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया। ये जो करेंसी है ये इंडिया की है। हाउ डिड यू नो? आपको कैसे पता कि ये इंडिया की है? बिकॉज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ रिटन ऑन द नोट। क्योंकि सभी नोट्स के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हुआ है। हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स? सारी नोट्स के ऊपर आपको किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? आंसर इज़ महात्मा गांधी। टेक अ 10 rupee नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट? स्टूडेंट्स, आपको एक 10 rupee की नोट लेनी है और उसके ऊपर आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो आपको वो काउंट करनी है कि वो कितनी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। सो देर आर 15 languages। राइट द नेम ऑफ द बैंक गिवन ऑन द नोट। नोट के ऊपर कौन सी बैंक का नाम लिखा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी नोट्स के ऊपर इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ऑब्जर्व द कॉइन्स, मैच देम अकॉर्डिंग टू देयर हेड्स एंड टेल्स। यहाँ पर कुछ कॉइन्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो हर कॉइन के हेड्स और टेल्स को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट ये जो पिक्चर है ये 1 rupee कॉइन है, इसे हम मैच करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट जो है ये 5 rupee कॉइन है, तो इसके साथ मैच करेंगे। देन नेक्स्ट इज़ 50 paise, उसे हम इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद ये जो है ये 2 rupee कॉइन है, और इसके साथ हम इसे मैच करेंगे। और ये जो है ये 10 rupee कॉइन है, लेकिन इसका कोई मैच यहाँ पर नहीं है। विच कॉइन रिमेन्स विदाउट मैच? कौन सा कॉइन का हमें मैच नहीं मिला? आंसर इज़ 10 rupee कॉइन। हाउ मैनी ऑफ दिस कॉइन्स डू यू रिकोगनाइज? इनमें से कितने कॉइन्स को आप रिकोगनाइज कर पाए? आई रिकोगनाइज ऑल द कॉइन्स। मैंने सारे कॉइन्स को पहचान लिया। What is written on each coin other than the value? हर कॉइन के ऊपर उसकी वैल्यू के अलावा और क्या क्या लिखा हुआ है? India is written on each coin other than the value. हर कॉइन के ऊपर हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है। Look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong to. Students, here pictures of some notes are given. You will have to find out which note belongs to India. आपको इनमें find out करना है कि कौन सी नोट इंडिया की करेंसी नोट है, और जो नोट्स इंडियन करेंसी नोट्स नहीं है उन्हें आपको सर्कल करना है। एंड देन आपको find out करना है कि वो कौन सी कंट्री की करेंसी नोट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट दैट विच नोट बिलोंग्स टू इंडिया। सो दिस इज़ इंडियन करेंसी नोट। So right here, India. Then this is also Indian currency note. Next one,
This is also Indian currency note. So there are only 3 notes which belong to India. अब बाकी जो बची हुई नोट्स है वो कौन सी कंट्रीज़ की है वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट वन जो है वो इंग्लैंड की करेंसी है. उसके बाद ये भी इंग्लैंड की करेंसी नोट है. देन दिस वन बिलोंग्स टू यूएसए और ये भी यूएसए की है. उसके बाद ये जो करेंसी नोट है ये है ओमान की. उसके नीचे वाले भी ओमान की है. ये वाली करेंसी नोट चाइना की है. उसके नीचे जो है वो भी चाइना की है. और यहाँ पर ये भी करेंसी नोट चाइना की है. और लास्ट वाली जो है ये भी चाइना की है. स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स. वी विल मीट वेरी सून विद द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर.